तो भाइयों हमारे सिटी लोस सेंटोस में आज मेक्सिकन माफिया जिसका नाम डिएगो है वो अपनी गोल्डन निशान जीटीआर लेके अपने एरिया के सबसे बड़े गैंगस्टर एंटोनियो के साथ मीटिंग करने के लिए आया है। और मीटिंग किस लिए हो रहा है? मीटिंग करने का एक ही रीजन है, अपने एरिया का सबसे बड़ा माफिया एंटोनियो मेक्सिको से आया हुआ एक भी गन के रिलेटेड पार्सल या फिर ड्रग के रिलेटेड पार्सल अपने सिटी लोस सेंटोस में एंटर ही नहीं होने देता था। इस वजह से मेक्सिकन माफिया डिएगो का काफी लॉस हो रहा था। तो आज मेक्सिकन माफिया डिएगो अपने कुछ वफादार साथी को लेके मीटिंग करने के लिए आया है ताकि ये वाला प्रॉब्लम लोस सेंटोस वाला उसका सोल हो जाए। बट एक गलती इसने कर दी है, ये लेके आया है गोल्डन निशान जीटीआर जिसे आज हम लोग चुराने वाले हैं, जिसकी कीमत लगभग 7 to 8 million dollars है। तो क्या आज इस कार को हम लोग चुरा पाएंगे? तो देखो हम लोग ना गोल्डन निशान जीटीआर चुराने वाले हैं, तो प्लानिंग बहुत तगड़ा करना पड़ेगा। वैसे गुड मॉर्निंग, और सबसे पहले मेरे ख्याल से हमें कपड़े चेंज कर लेने चाहिए। ये वाला सूट अच्छा है नो डाउट, बट मेरे को कोई दूसरे कलर का सूट पहनना है। मेरे पास कौन कौन से ऑप्शन है देखने दो। आउटफिट में मेरे ख्याल से बहुत सारे ऑप्शन है, ये सूट नहीं आउटफिट से चेक करते। डेनिम शर्ट भाई, लेदर जैकेट भी है, पोलो शर्ट भी है, और भी ये अच्छा लग रहा है, टुक्सिडो पहनते हैं भाई। ये वाला सूट ना एकदम प्रोफेशनल लगेगा, तो इसको पहन के हम लोग जाते हैं। चोरी करने में मजा आएगा, चोरी करना मतलब लोगों को हम लगेगा क्लासी भाई, पैसे वाला इंसान है ऐसा। भले फिर हमारे पास अभी गेम में सिर्फ $21,000 ही हो, उन लोगों को थोड़ी पता है कि हमारे पास $21,000 ही है। लोगों को तो ऐसा लगेगा ना बहुत पैसे वाला इंसान है। और हाँ, सबसे पहले हम लोगों को खरीदनी पड़ेगी गन, क्योंकि जब हम लोग चोरी करने के लिए जाते हैं तब कोई लफड़ा हो गया, तो अगर हमारे पास गन होगी तब हम लोगों को मार सकते हैं, वरना नहीं मार सकते हैं, राइट। तो चलो फिर जाते हैं गन शॉप पे गन खरीदने के लिए। और गेम में गन शॉप को बोला गया है एमुनेशन, मतलब हम लोगों को वहां से दो गन खरीदनी है, एक तो चाहिए स्नाइपर, एक चाहिए मिड रेंज और शॉर्ट रेंज के लिए असोल्ट राइफल। वैसे शॉर्ट रेंज में ना पिस्तौल भी चल जाती है, बट असोल्ट राइफल में अगर हमारे पास AK-47 होगा तब हम लोग एक साथ 10 से 12 लोगों को मार सकते हैं। और गन शॉप यहाँ एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, हम लोग ये वाले नजदीक वाले गन शॉप पे जाएंगे, ये वाला बेटर है। अच्छा मैं गलत डायरेक्शन पे कार को लेके जा रहा था, हमें इस साइड से जाना है। बाय द वे हम लोग गन शॉप से स्नाइपर भी खरीदेंगे, स्नाइपर जब हम लोग गैंगस्टर को मारते हैं ना तब बहुत काम लगता है, लॉन्ग रेंज पे ही हमें शूट करना पड़ता है, वरना क्या होता है अगर हम शॉर्ट रेंज में जाके मारेंगे AK-47 से तो इतना ज्यादा साउंड करता है AK-47 की भाई बात ही मत पूछो, और बाकी सब गैंगस्टर ने सुन लिया तो फिर तो हम गए काम से, हम वहीं पे मर जाएंगे। तो ट्राई करना हम लोग को स्नाइपर से ही लॉन्ग रेंज पे 3-4 गैंगस्टरों को गिराने का। बाकी मुझे नहीं पता वहां पे टोटल कितने लोग हैं, तो वो भी हमें पता लगाना पड़ेगा, बट अभी के लिए सबसे पहले हमें चाहिए गन जिसे हम लोग अभी खरीदने के लिए जा रहे हैं। बाकी भाई इतना ज्यादा ट्रैफिक है ना, रुको इधर से, अरे यार ठोक दिया गाड़ी, बट इनसे कुछ होगा नहीं सच बताओ तो। भाई ये कार ना हल्का सा स्लिप हो रहा है, इसको रिपेयरिंग का ज़रूरत है, बट अभी मैं रिपेयरिंग पे लेके जाना तो नहीं चाहिए सच बताओ तो, बाद में रिपेयर करवाएंगे। भाई इसका ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसको सख्त रिपेयरिंग की ज़रूरत है। वैसे हम लोग लोकेशन पे आ चुके हैं गन शॉप की, एक मिनट यहाँ पे रख देते हैं। नहीं भाई सामने देखो लुखे भी खड़े हुए हैं दो, यहाँ नहीं रखेंगे कार को, रख देते हैं हम लोग साइड पे पार्किंग वाली जगह पे। देखो दिक्कत क्या है पता है, गन शॉप के पास में जितने भी लोग खड़े होते हैं ना, वो लड़की हो या लड़का हो, सबके पास इस एरिया में लॉस सेंटोस में गन होता है। अगर हमने गलती से भी कुछ भी कर दिया तो ये लोग हमारी कार ही तोड़ देंगे, और कार तोड़ा तो मेरे पास गेम में $21,000 ही है, और $21,000 से सिर्फ कार के नए टायर्स आएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। वैसे पिस्तौल वगैरह भी है, बट भैया पिस्तौल का प्राइस इतना ज़्यादा भी नहीं है, स्नाइपर खरीदते हैं भाई। ये भी स्नाइपर खरीदूँ या नॉर्मल वाला 71,000 का है ना, खरीद लेते हैं, और ये $1,800 का एडवांस स्कोप भी खरीद लेते हैं, और $21 के मिल रहे राउंड जिसमें 12 बुलेट आएगी, तो ये भी खरीद लेते हैं स्नाइपर के राउंड भी, क्योंकि अगर स्नाइपर की गोली चलेगी तो भाई 21 गोली तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी। अभी इसके अलावा ये रही है AK-47 $1,050, इसे खरीद लेते हैं, और इसमें एक राउंड में 60 आएगी गोली, तो मैंने ऐसे राउंड खरीद लिए काफ़ी सारे, मेरे ख्याल से ठीक है AK-47 में, और भी मेरे को नहीं लगता कुछ खरीदना चाहिए, इतना काफ़ी है। पिस्तौल खरीदूँ क्या? पिस्तौल भाई नहीं खरीदना चाहिए, $200 किसी काम का नहीं, अपने पास AK-47 है और स्नाइपर भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये खरीद लेते हैं। वेस्ट बोले तो आर्मर हम लोग ना ये वाला खरीदते हैं, सबसे महंगा वाला 1875 का, अगर गोली लगे ना तो हम जिंदा रहने चाहिए, हॉस्पिटल में जाके भी हम जिंदा रहेंगे ना तो वो फायदा देगा। दारू का बोतल चाहिए नहीं, कपड़े तो हमने पहले से ही पहने हैं तो किसी काम का नहीं, आ जाओ बाहर जाते हैं। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं एक मास्क खरीदने के लिए। देखो मास्क हमें इसलिए चाहिए, जब हम लोग गोल्डन निशान जीटीआर चुराने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे गैंगस्टर होंगे और आसपास कैमरे भी लगे होंगे, तो अगर हम किसी कैमरे में दिख गए तो गैंगस्टर हमें घर पे आके मार के चले जाएंगे और हम लोग वहीं पे मर जाएंगे, तो उससे बचने के लिए हमें मास्क खरीदना है। और मास्क मिलेगा कहाँ पे? ये वाली जगह पे।
यहाँ पे देख रहे हो तुम लोग, एक सिंबल है मार्क्स वाला, वहाँ पे मार्क्स मिलता है। तो आज हम वहाँ पे जाते हैं और खरीद लेते हैं एक बढ़िया सा मार्क्स, जिसके पीछे हम छिपा सके अपना एक चेहरा। वैसे भी हम लोग काम तो गैर कानून ही कर रहे हैं, अगर पकड़े गए तो भाई हालत ख़राब हो सकती है, और माफिया के हाथों से पकड़े गए तो फिर तो गए काम से। तो इस वजह से हमें ये सब चीज़ें करनी पड़ती है। बाकी ये आ चुके हैं हम लोग उस एरिया में, और हम लोग वैसे भी लॉस सैंटोस के नए बनते हुए गैंगस्टर है। ओके, अभी हम लोग गैंगस्टरों वाली दुनिया में पैर रख रहे हैं। भाई दूर रहो यार, एक आध को उड़ा दूंगा तो हंगामा हो जाएगा, तुम लोग फिर पुलिस को बुला लेते हो। वैसे भी जिस जगह पे हम अभी कार चला रहे हैं वहाँ पे अलाउ नहीं है कार चलाना, पर फिर भी हम लोग कार चला के आए हैं। ये आ चुका है मार्क्स स्टोर, यहाँ पे कर देते हैं गाड़ी पार्क। और भाई ये तो कपड़े की दुकान, ये नहीं चाहिए। ये रही देखो स्पेस मंकी 3D, यहाँ से हम लोग अपने लिए मार्क्स खरीदने वाले हैं। वैसे भी मेरे पास $21,000 ही थे, जिसमें से मैंने गन वगैरह खरीद के अभी मेरे पास $8,000 ही कुछ बचे हुए हैं, और उसमें हमें मार्क्स खरीदना है। वैसे मेरे पास मार्क्स है, ये देखो ये वाला कैसा है, ये $500 का। वैसे पैसे नहीं देने चाहिए, मेरे पास पहले से ही 3-4 पड़े हुए हैं। ये वाला सही है, बोन स्कल मार्क्स, इसे हम लोग पहनने वाले हैं। वैसे अभी हम लोगों को पहन के नहीं घूमना चाहिए, अभी इसको निकाल देते हैं। भाई रस्तों में इसे पहन के घूमेंगे ना तो नहीं होता है ना, उनको भी शक होगा कि भाई इसमें कुछ तो गड़बड़ है, तो रस्ते में मास्क पहन के नहीं घूमेंगे। बाकी निकल लेते हैं कार लेके, क्योंकि हम लोगों ने इल्लीगल जगह पे गाड़ी पार्क करी है, अगर पुलिस वालों को किसी ने बुला लिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। भाई दूर हटो यार, भाई मैं गलती ड्राइविंग कर रहा हूँ, पता है ऐसे नहीं ड्राइविंग करनी चाहिए। ये मिल गई मेरे को जगह, अभी हम लोग यहाँ से निकल लेते हैं। भाई देखो अभी स्टेप 3, हमें एक कॉल करना होगा एक एजेंट को, जो कि हमारे लिए काम करेगा, डिटेक्टिव का। मेरे पास नंबर है, टेंशन मत लो। ये डिटेक्टिव अपने लिए गोल्डन निशान GTR जहाँ से हम चुराने वाले हैं उसके आसपास की सभी डिटेल हमको ला के देगा, जैसे कि वहाँ पे कौन से गैंगस्टर है, कैसे गैंगस्टर है, मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक है कि नॉर्मल वाले है, उसके अलावा कैमरे कितने लगे हैं, वहाँ पे कितने लोग हैं और उनके पास कौन कौन सी गन है, वो सारी की सारी डिटेल ये डिटेक्टिव हमें ला के देगा। बट उससे पहले हमें जाना होगा घर पे, क्योंकि डिटेक्टिव को मैंने अपने घर पे बुलाया है ताकि मैं उसको लोकेशन दे सकूं जहाँ पर गोल्डन निशान GTR आई है उसकी, और वहाँ पे वो बाद में चेकिंग के लिए जाएगा, राइट। तो घर तो वैसे भी हम लोगों का आ ही चुका है, यहाँ पे कर देते हैं गाड़ी पार्क और वेट करते हैं हमारे डिटेक्टिव एजेंट का। अभी लगभग 3 से 4 घंटे हो चुके हैं, बट हमारा डिटेक्टिव एजेंट जो हमने बुलाया था अब तक नहीं आया है। एक मिनट, एक KTM वाला वही है क्या? हाँ आई थिंक ये वही है, और ये अपनी साइड ही आ रहा है। चलो बढ़िया है, डिटेक्टिव एजेंट आ चुका है। अभी इसको हम लोग भेजने वाले हैं गोल्डन निशान GTR वाली लोकेशन पे चेकिंग के लिए, कि क्या सीन है वहाँ पे और क्या सीन नहीं है। लेट्स गो। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं लोकेशन पे। भाई ये KTM चलाने में मज़ा तो पूरा आने वाला है, मैं इसका ना फुल स्पीड में ही चलाऊंगा इसको। अरे साइड हो जा मामू। अब देखो भाई 120 121 की स्पीड पे अगर ऐसे ही बाइक चलाते रहना तो बहुत जल्दी हम लोग लोकेशन पे पहुंच जाएंगे। और जब हम लोग ये एजेंट के POV से गेम खेलते हैं ना, तो हम लोग कितनी भी स्पीड दे, कोई भी रूल ब्रेक करे, हमें कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये भाई डिटेक्टिव एजेंट है और ये पुलिस के साथ भी काम करते हैं, तो फर्क नहीं पड़ता। ये लोकेशन पे हमें जाना है, देखो यहाँ पे ये वाली जगह कौन सी है, हाँ यहाँ पे हमें जाना है। भाई जो भी बोलो, बाइक चलाने में हाँ तो पूरा मजा आ रहा है, क्योंकि हमारी बाइक जो है ना वो 90 के नीचे गई ही नहीं है, इतनी स्पीड पे हमने चलाई है। देखो 119 120, ये एकदम फुल मजे आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने अब तक किसी को गाड़ी अपनी ठोकी नहीं है, मतलब एकदम स्मूथ अपनी बाइक चल रही है। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं लोकेशन पे जहाँ पर हम लोग चेकिंग करने वाले हैं कितने गार्ड है और क्या सीन है। ये वही जगह है ना जहाँ पर मेक्सिकन माफिया डिएगो अपने कुछ लोगों को लेके और साथ ही में गोल्डन निशान GTR को लेके आया है। हाँ ये वही जगह है, सामने है गोल्डन निशान GTR, और उसके अलावा एक गार्ड तो ये बाइक के पास ही खड़ा हुआ है, एक गार्ड वहाँ पे है, एक गार्ड उस साइड पे है, और कार के आसपास 1 2 3 4 5 6, भाई कार के आसपास इसने 6 गार्ड रखे है। इस कार को चुराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, गोल्डन निशान GTR को। भाई ये कार दिखने में तो एक नंबर है, और ये कार का कीमत लगभग $8 to $9 million तो इजीली आएगा, और हमारे पास अभी है $21,000। अगर हमने इस कार को चोरी किया और अच्छी जगह पे सेल किया तो हमारे पास $8 to $9 million तो इजीली आ जाएगा। 4 गार्ड यहाँ पे भी है, और उसके अलावा भाई देखो ये सभी के सभी जितने भी गार्ड है ना वो सब लोग गैंगस्टर है, तो ऐसा नहीं है कि ये पुलिस वाले है, तो ये सबसे बड़ी बात भी है और सबसे खराब बात भी है, क्योंकि गैंगस्टर माफिया लोग तो सीधा तुम्हें टपका ही देंगे, अगर पुलिस वाले होते तो तुम्हें कस्टडी में ले गए या सब करेंगे, बट इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। एक गार्ड यहाँ पे है, एक गार्ड उस साइड पे भी था, लड़कियाँ भी गार्ड रखी है भाई इसने। इसका मतलब ये है कि ये जो लड़कियाँ गार्ड किसकी हो सकती है पता, हमारे एरिया के लॉस सैंटोस के गैंगस्टर की।
क्योंकि मैक्सिकन माफिया जो है वो कभी भी लड़कियों को अपनी गैंग में शामिल नहीं करता है। तो हाई चांस है कि अपने लॉस सैंटोस का सबसे बड़ा माफिया एंटोनियो जो है उसकी गैंग में ये सभी लड़कियां हो। भाई ये भी दो लड़कियां गाड़ी है यहाँ पे, इसने सभी की सभी लड़कियों को ही गाड़ रखा है। और हमारा जो एंटोनियो गैंगस्टर है वो बातचीत कर रहा है अभी मैक्सिकन माफिया के साथ। और वैसे ये देखो यहाँ पे खून भी लगा हुआ है, खून का धब्बा है, देख रहे हो तुम लोग दीवार पे, मतलब बुलेट वगैरह फायरिंग हुआ है। और मैक्सिकन माफिया डिएगो भाई कुछ तो मीटिंग कर रहा है, लोग तो काफ़ी सारे हैं। और हमारे जो शहर का लॉस सैंटोस का माफिया है एंटोनियो, उसने अभी तक फेस रिवील नहीं किया है, देखो उसने मास्क पहन के रखा है। तो भाई ये क्या, एक मिनट, यहाँ पे इसने रॉकेट वगैरह रखा है, उसके अलावा ये क्या है भाई, आर्मर ही है। तो ये सभी आर्मर के अंदर डालने वाली चीज़ें, गन है और उसके अलावा गन का एमओ है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं भाई ये। और इनकी पार्टी चल रही है यहाँ पे तगड़ी वाली। अच्छा भाई गैंग में मेंबर तो बहुत सारे हैं और जितनी भी लड़कियाँ हैं वो ज़्यादातर लड़कियों के पास गन है। भाई अपने शहर का लॉस सैंटोस का गैंगस्टर माफिया सबसे बड़ा एंटोनियो बहुत बड़ा फेमिनिस्ट है भाई, ये देख के अच्छा लगा, ये लड़कियों को जॉब दे रहा है। बट दूसरी साइड पे अगर हमें माफिया बनना है सबसे बड़ा लॉस सैंटोस का, ये अपने एरिया का, अपने शहर का, तो फिर एंटोनियो को हमें मारना ही पड़ेगा। बट अभी आज मैं एंटोनियो को नहीं मारने वाला हूँ, क्योंकि आज मेरा प्लान है निसान GTR जो कि गोल्डन कलर की है उसे चुरा के 9 to 10 million या 8 to 9 million dollars कमाने का। अभी देखो अगर मेरे को एंटोनियो को मारना है ना तो वो हलवा नहीं है, वो सबसे बड़ा लॉस सैंटोस का अपने एरिया का गैंगस्टर है, उसके पास देखो कितनी सारी फौज है। तो मेरे को भी ऐसी एक बहुत बड़ी टीम बनानी पड़ेगी, उसके बाद में इनको मार सकता हूँ। भाई एक मिनट, यहाँ पे मेरे ख्याल से कैमरा लगा है, तुम देखो यहाँ पे लिखा है ना मार्लो विनियर्ड, उसके नीचे देखो यहाँ पे लिखा है, देखो मार्लो वेली और लॉस सैंटोस, उसके नीचे ब्लैक कलर का तुम्हें टुकड़ा दिख रहा है वो है कैमरा। तो ये कैमरा तो हमें पता लग चुका है कि यहाँ पर है, अभी दूसरे कैमरे कहाँ पर है। भाई कैमरे तो इन लोगों ने लगाए होंगे, वो तो 101% है, पर कहाँ कहाँ पर ये हमें खोजना पड़ेगा। आई थिंक एक पिलर पे यहाँ पे लगा हुआ है, देखो ऊपर की साइड पे, और एक सामने वाले पिलर पे भी लगा हुआ है ये वाला कैमरा, देखो यहाँ पे है एकदम इसके ऊपर ही, मतलब जो लटका हुआ है ना उसके ऊपर। और सेम यहाँ पर भी एक कैमरा लगाया है, मतलब नॉर्मल सिक्योरिटी के साथ CCTV सिक्योरिटी भी इनने लगाई है। भाई CCTV कैमरा जहाँ तहाँ लगा दिया, यहाँ कहीं पर तो कैमरा नहीं लगा है ना, हाई चांस है पार्किंग ये तो लगाया होगा। हाँ यहाँ पर भी एक कैमरा है भाई, और ये ऐसे CCTV कैमरे है ना, इसको हम लोग तोड़ भी नहीं सकते हैं, लाइक मतलब इसको हम लोग बंदी कैसे करेंगे वो सोचना पड़ेगा। एक कैमरा यहाँ पर भी लगा हुआ है भाई, इसमें चोरी करना बहुत मुश्किल है। अच्छा किया हम लोगों ने मास्क को खरीदा है, अगर हमने मास्क नहीं खरीदा होता ना तो इधर आते कैमरे में पकड़े ही जाते, और पुलिस वाले या गैंगस्टर कोई ना कोई अपना फोटो लेके अपन को पकड़ने के लिए आता ही आता। आज हम लोगों ने स्कैन कर लिया है जगह और इन्फॉर्मेशन जितनी हो सकती थी उतनी कलेक्ट कर ली है, बस अभी ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें माइकल को देनी है और हम लोग रोबरी के लिए तैयार है। हम लोग आ सकते हैं गोल्डन निसान GTR चुराने के लिए, जिसकी कीमत बहुत है, और वैसे भी मैंने पहले भी बहुत सारी कार चोरी करी है तो अपने लिए कोई नई बात तो है नहीं। यहाँ ये बताएगा या नहीं बताएगा वो देखने वाला बात होगा। ओके माइकल को ये पूरी कहानी बता रहा है कि इतने लोग हैं और ये सब वहाँ पे चालू है, तो देख के जाना कैमरे वैमरे लगे हुए इस टाइप से कुछ तो कह रहा है ये। बाकी देखते हैं कब तक इन लोगों का बातचीत ख़त्म होता है, आई थिंक ख़त्म हो चुका है। आ जाओ अभी हम लोग जाने वाले हैं घर के अंदर और अपनी निकालने वाले हैं एक बाइक, जो कि वो भी चोरी की है, वो बाइक भी मैंने बहुत पहले चोरी किया था तो ये पार्किंग में पड़ा होगा। ये है हमारी मेड जो कि काम करती है हमारे घर का सब। बाकी ये रही अपनी बाइक, इसको भी मैंने बहुत समय पहले चोरी किया था तो कोई दिक्कत नहीं, अगर पुलिस पकड़ती है तो हम लोग जेल में जा सकते हैं, बट मेरे ख्याल से नहीं पकड़ेगी। भाई आजा, ये क्यों नहीं आ रहा भाई, ये एजेंट डिटेक्टिव को ना हम लोग यहाँ पे नहीं रख सकते अपने घर के आसपास वरना लफड़ा हो जाएगा। चलो इसने भी गाड़ी स्टार्ट कर लिया है, भाई तू अपने रास्ते जा मैं अपने रास्ते जाता हूँ। ये बात डिटेक्टिव भी जा चुका है अपने घर से। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं मर्सिडी G-Wagon लेने के लिए। मैं ये बाइक लेके डेफिनेटली वो रोबरी वाली जगह पे नहीं जाने वाला हूँ जहाँ से हमें चोरी करना है, क्योंकि ये बाइक अपना है। और मैं जो मर्सिडी G-Wagon लेके वहाँ पे रोबरी करने के लिए जाने वाला हूँ वो पूरी बुलेट प्रूफ है, और साथ ही में उसकी चोरी कहीं समय पहले फ्रैंकलिन ने करी थी। तो मैं अपनी बाइक को सुरक्षित रखूँगा, पार्किंग में रख दूँगा, और जो फ्रैंकलिन ने चोरी किया है वो कार लेके मर्सिडी G-Wagon लेके मैं चोरी करने के लिए जाऊँगा गोल्डन निसान GTR। और हाँ मैं फ्रैंकलिन को कॉल भी कर दूंगा ताकि वो उस जगह पे जाके अपनी वापस से मर्सिडी G-Wagon लेके आ जाए और पार्किंग में रख दे, तो एक तीर से दो निशाने वाला काम हो जाएगा। बाकी पार्किंग अभी थोड़ा दूर है तो हमें थोड़ी और बाइक चलानी पड़ेगी। भाई बाइक चलाने में तो मैं मास्टर हूँ, आज तक बाइक मैंने किसी भी कार से नहीं ठोकी है। आई थिंक हम लोग आ चुके हैं अपने पार्किंग पे,
अभी यहाँ पे पार कर देते हैं अपना बाइक और उठा लेते हैं मर्सिडीज जी वेगन विद बुलेट प्रूफ ग्लास ताकि हमें कोई ये गोली आर पार ना मार सके। बाय द वे मर्सिडीज जी वेगन का प्राइस भी 2-3 मिलियन डॉलर होगा। और पास में जो एक फैंसी कार पड़ी है उसकी चोरी करी थी ट्रेवर ने, और उसके पास में जो एक कार पड़ी हुई है वो भी काफी अच्छी कार है और उससे भी चोरी किया था फ्रैंकलिन ने। अभी हम लोग ये मर्सिडीज जी वेगन लेने वाले हैं, बट हाँ हमारा फ्रैंकलिन के साथ रिश्ता अच्छा है तो कोई लफड़ा नहीं होगा। भाई ये ना अलग ही लेवल पे चलती है, पता है चोरी करने के लिए सबसे बेस्ट गाड़ी है अगर तुम लोग 3-4 लोगों को साथ में अपनी टीम लेके जाना चाहते हो तब। बट अभी मेरे पास टीम नहीं है, तब भी मैं इस कार को लेके ही जाने वाला हूँ। यहाँ से निकालते हैं और जाते हैं रोबरी वाली लोकेशन पे। वैसे एक मिनट में ना अभी उसको भी कॉल कर देता हूँ फ्रैंकलिन को भी, क्योंकि वहाँ पे कार रुकने वाली है वो तो डेफिनेटली सबको पता है कि वहाँ जब हम लोग रोबरी करके आएंगे GTR निशान को लेके तब ये वाली कार हम लोग वहाँ पे ही छोड़ देंगे। तो बेटर रहेगा कि फ्रैंकलिन वापस से ये वाली कार वहाँ से कलेक्ट कर ले अपनी मर्सिडीज जी वेगन ताकि हमारा 2-3 मिलियन डॉलर का नुकसान ना हो। वैसे मेरे 2-3 मिलियन डॉलर नहीं, फ्रैंकलिन के 2-3 मिलियन डॉलर की कार है भाई, बट उसकी भी इज्जत करनी पड़ेगी वरना वो दूसरी बार हमें मर्सिडीज जी वेगन नहीं देगा ऐसे ही, और अपने पार्किंग में पार्क नहीं करेगा, उसको भरोसा नहीं होगा। वैसे कार जो है ना उसकी स्पीड इतनी नहीं है तो इस वजह से इसको चोरी करने में भी काफ़ी मुश्किल हुई होगी, क्योंकि जब पीछे पुलिस पड़ेगी तो भाई ये 100 किलोमीटर की तेज़ी से भागती है कार, और पुलिस वाले 150 के आसपास तो भगाते ही भगाते हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि ये कार को चोरी करना इतना आसान गया होगा मर्सिडीज जी वेगन को, बट अगर किया है फ्रैंकलिन ने वाला काम तो भाई 21 तोपों की सलामी है। अभी रुकते हैं और हम लोग पहन लेते हैं अपना मास्क जिसे हमने ख़रीदा था, क्योंकि हम लोग काफ़ी क्लोज आ चुके हैं उस लोकेशन से जहाँ पर गोल्डन GTR निशान पड़ी है। ये गया इन्वेंट्री मास्क और ये वाला पहन लेते हैं बोन स्कल मास्क। आ जाओ अभी बैठ जाते हैं कार में और निकलते हैं लोकेशन पे। भाई वहाँ पे बहुत सारे माफिया लोग हैं और उनके गैंगस्टर भी है, तो मेरे को डर लग रहा है कि कहीं हम लोग मर ना जाए, और अगर ये मिशन फेल होता है तो भाई हम गए, फिर ये वाला मिशन हम लोग कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो ट्राई करना है कि एक ही बार में कार को चोरी करके हम लोग निकल जाए, देखना पड़ेगा। भाई देखो आसपास घूम रहे हैं कार के आसपास 2-3 लोग और उसके अलावा भी एक्सक्यूज़ मी वाले इधर से निकल वरना लाफा मारोगा। अच्छा भाई सिक्योरिटी काफ़ी टाइट है, मेरे को लगता है स्नाइपर के साथ हम लोगों को ना 3-4 गैंगस्टर को तो गिराना पड़ेगा। और पीछे की साइड पे एंटोनियो और डिएगो दोनों मतलब अपनी मीटिंग तो कर ही रहे। अरे यार सॉरी भाई सॉरी हमारा ये अरे रे वापस से ठोक दिया, हमारा ये इंटेंशन तो नहीं था कि इसको हम लोग मतलब हानि पहुँचाए, बट अब क्या ही कर सकते हैं। भाई अगर ये लड़ाई करने के लिए आएगा तो फिर मैं गन दिखाएगा तेरे को, मैं सोच रहा हूँ मार ही देता हूँ इसको, ओपनिंग कर देता हूँ। चलो बढ़िया है, आ जाओ गैंगस्टर को मारना भी स्टार्ट कर देते हैं। पहला गया, ये दूसरा गया, यहाँ पे 4 थे ना टोटल, हाँ आई थिंक 4 थे जिसमें से हमने 2 तो मार दिए। स्नाइपर निकालते हैं ताकि बढ़िया से दिखे। लगभग यहाँ पे 15-16 लोग हैं जिसमें से 2 को तो हमने मार दिया। ये गया तीसरा, ये गया चौथा, ये गया पाँचवा, ये गया छठा, ये गया अभी 7वां, और हमारे साइलेंसर लगा है स्नाइपर में तो किसी को आई थिंक पता नहीं लग रहा है। ये 8वां, ये 9वां। भाई अगर साइलेंसर नहीं लगा और इनको पता नहीं लग रहा है तो बहुत बड़ी बात है, स्नाइपर बहुत एडवांस है। ये गया 10वां, अरे यार ये हाँ इसको पता लगा था, इसने आसपास दिखने का ट्राई किया बट उससे पहले हमने टपका दिया। और भी मेरे ख्याल से लोग यहाँ पर हो सकते हैं। भाई ये गैंगस्टर की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा वीक है, अगर हमको लॉस सैंटोस का सबसे बड़ा माफिया बनना है ना तो मेरे ख्याल से हम लोग बन सकते हैं। ये का ये रहा देखो यहाँ पे भी है, ये एक चल के आ रहा है राइट की साइड पे। ये ले भाई, काफ़ी सारे लोगों को हम लोग ऑलरेडी मार चुके हैं। एक ये भी गया, अगर हम लोग कैमरे में आ गए ना तो दिक्कत ये होगी कि तुरंत ही पुलिस वालों को ये लोग बुला लेंगे, तो ट्राई करना है कि हम लोग कैमरे में कैप्चर ना हो जाए। ये भी गया, ये भी गया। भाई मेरे ख्याल से ना अभी हमें जाना पड़ेगा कार चोरी करने के लिए, निशान GTR लेके निकल लेते हैं। पहले ये वाली जो कार है ना उसको सही जगह पे मैं पार्क कर देता हूँ अंदर जाके। कार को कर लिया रिवर्स और अभी सीधा हम लोग ये कार को लेके ना अंदर ही घुसने वाले हैं और GTR निशान लेके बाहर की साइड निकलेंगे। यहाँ कर देते हैं कार को पार्क ताकि फ्रैंकलिन आके लेके जा सके। ये गई एक और औरत, भाई यहाँ पे एक थी, अरे वो माफिया के पास गई है। हमारे पास टाइम बहुत कम है और जिसे मैंने बोला था अगर हमें कैमरे में कैप्चर कर लिया गोली चलाते हुए तो पुलिस आएगी, और आ भी चुकी है। भाई फटाफट करना पड़ेगा, पुलिस की कारें आने लगी है। मैं गया भाई, मेरे को लग रहा है मेरे को अगर इनने पकड़ लिया ना तो सीधा मिशन फेल होगा और हम वापिस ये वाला मिशन कर नहीं पाएंगे। निकल लेते हैं भाई, मत ठोक यार। वैसे निशान GTR माफिया की है तो आई थिंक ये बुलेट प्रूफ होगा तो इसको इतना इशू नहीं होगा, बट अगर बहुत ज़्यादा गोली लगती है ना तो तब जाके इसको भी इशू हो सकता है।
तो सही तरीके से निसान GTR को हमें यहाँ से निकालना होगा, और पूरा गोल्ड का बना हुआ है, समझ रहे हो तुम, तो इसका कीमत सीधा डबल हो जाता है, इसलिए मैं बोलता हूँ 8 to 9 million dollars ईजिली हमको मिलेगी। यार साइड पे गाड़ी चला ना यार, हम लोग भाग रहे पुलिस से। एक मिनट, रास्ता क्लियर है भाई, इन लोगों ने प्लेन भी बुला लिया ऐसा लग रहा है, हमारे पीछे पुलिस के प्लेन भी लग चुके हैं। लिटरली भाई गया मैं, मेरे को नहीं लगता कि मैं ये मिशन कंप्लीट कर पाऊंगा, बट अगर ये वाला मिशन कंप्लीट कर लिया तो 8 to 9 million dollars तो कहीं नहीं गए। यहाँ से गाड़ी कुदाते हैं, मे बी अभी भी 3 स्टार लगे हुए, 1 स्टार तक कम नहीं हो रहा है। मेरे को इस गटर में निकल लेना चाहिए, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है गटर का, वहाँ से हम लोग कार निकाल लेते हैं भाई। बट इधर से बाहर निकलने का रास्ता तो होगा ना। अरे गाड़ी कहाँ में ठोक रहा हूँ भाई, इसका ना सब खत्म हो चुका है, ब्रेकिंग खराब हो चुका है, गाड़ी का टायर जो आता है ना स्टील के ऊपर लगा होता है रबर, वो भी निकल चुका है पीछे वाले टायर का, इसका सस्पेंशन जो आता है वो भी खराब हो चुका है, और भी मतलब तुम ऐसा समझो कि ये कार को अभी मेरे को पूरा रिपेयर करवाना पड़ेगा। बट इतना मैं बोल सकता हूँ कि जितना भी गोल्ड का पार्ट है इस कार में, जैसे कि गोल्ड के डोर हो गए और गोल्ड का जो भी चीज़ इसमें बना हुआ है वो सभी अभी तक इस गाड़ी के साथ चिपका हुआ है, तो ये हमारे लिए प्रॉफिट है। बट इसको रिपेयरिंग में काफ़ी अच्छा खर्चा होने वाला है, तो वो तो हम लोग करवा लेंगे, उसका कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको सही सलामत मैं घर तक पहुंचा दूं। बाकी फ्रैंकलिन आई थिंक मर्सिडीज जी वैगन लेने के लिए निकल चुका होगा। बाय द वे मेरे को नहीं लगता कि वो वहाँ से मर्सिडीज जी वैगन अकेला निकाल पाएगा, क्योंकि वहाँ पे मतलब तुम समझ रहे हो मैक्सिकन माफिया, उसके गैंगस्टर और साथ ही में एंटोनियो जो कि लॉस सैंटोस का अपनी सिटी का सबसे बड़ा माफिया है, उसके भी गैंगस्टर वहाँ पे है। अगर वहाँ पे पकड़ा गया फ्रैंकलिन तब तो भाई फ्रैंकलिन का हालत वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही कुछ खराब होने वाला है। मेरे को लगता है फटाफट से कार को मेरे को ना रिपेयर करवा के घर पे रख के फ्रैंकलिन को बचाने के लिए जाना चाहिए। बाकी मेरे को लगता है अगर नहीं गया ना तो सीधा फ्रैंकलिन का डेड बॉडी ही पार्सल हमारे पास आएगा, और उसने कोई छोटे मोटे माफिया के साथ टक्कर नहीं लिया है। फिर टक्कर तो वैसे मैंने लिया है एंटोनियो और मैक्सिकन माफिया के साथ, बट बीच में वो पिस जाएगा, समझ रहे हो। तो हमें यार ये गाड़ी का टायर आगे वाला भी रबर जा चुका है, पीछे वाले टायर का भी जा चुका है, यार बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है कार चलाना। तुम देखो पीछे वाले टायर का, देखो ऊपर की साइड, देखो ये पूरा बिजली निकाल रहा है कार। यार इसका ना फटाफट से कुछ करना पड़ेगा, बाकी रास्ते में ही पूरी की पूरी कार फटने वाली है और कुछ भी हाथ में नहीं आएगा भाई। फटाफट से ना हमें लॉस सैंटोस कस्टम में मतलब गैराज में लेके इस कार को जाना पड़ेगा, और मेरे को नहीं लगता मैं जा पाऊँगा उससे पहले ही ये कार फटने वाली है। ये ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हम लोग चला चुके हैं, बटा ठीक है नीचे की साइड पे पानी है इस वजह से इतना दिक्कत नहीं आ रहा है, बिजली नहीं निकल रही है, वरना तो भाई टायर का सीधा स्टील भाई ज़मीन पे लग रहा है, तुम सोचो। और यहाँ पे बाहर निकलने का गटर से रास्ता ही नहीं है, जबकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है ना, फिर भी कहीं पे भी रास्ता नहीं है जहाँ से मैं कार को लेके बाहर जा सकूँ। हालाँकि मेरे लिए है, अगर मैं सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना चाहता हूँ तो जा सकता हूँ, बट अभी तक आई थिंक रास्ता मुझे दिख चुका है भाई। देखो यहाँ पे रास्ता आ चुका है, पानी नहीं है इस वजह से, देखो टायर की हालत देखो तुम, बस ज़मीन के साथ जैसे ही वो टच हो रहा है सीधा पानी के अलावा देखो बिजली निकाल रहा है, क्योंकि वो सीधा स्टील ही है ना। और अगर मेरे को नहीं लगता है गाड़ी फटने वाला है, फटाफट से हमें पहुंचना पड़ेगा लॉस सैंटोस कस्टम पे, बस अभी 1 किलोमीटर ही दूर है गैराज। आई होप ये गाड़ी पहुंचा दे हमें रेलवे के ट्रैक पे, यहाँ पे चला लेते भाई। देखो बिजली निकाल रहा है वापस से भाई, पता नहीं बट मेरे को डर लग रहा है, इतना मेहनत करके कार निकाला और वाट लग जाएगी, और साथ ही में मेरे को टेंशन फ्रैंकलिन का भी हो रहा है। फ्रैंकलिन अकेला वहाँ पे मर्सिडीज लेने के लिए गया, जी वैगन को लेने के लिए गया, तो फिर तो वो गया। ये रहा अपना गैराज, यहाँ पे गाड़ी लेके हम लोग आ चुके हैं। 2070 का निसान GTR का अपने पास मॉडल है, जो कि दिखने में भाई बहुत ज़्यादा अलग ही लेवल पे है। इसका रिपेयरिंग का कॉस्ट बस $280 है भाई, $280 तो मैं दे ही सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको अपग्रेड करने का जरूरत नहीं है, ऑलरेडी चीज़ें एकदम हाई लेवल की लगी हुई है भाई। माफिया की कार थी, इसमें थोड़ी ना उसने कोई भी कमी रखी होगी, मतलब अलग ही लेवल का सिक्योरिटी रखेगा ना, और वो भी लॉस सैंटोस में आया था मैक्सिकन माफिया, तो वो कितनी सिक्योरिटी के साथ आया होगा तुम सोचो कार के अंदर। और उसकी कार हमने चुराई है, और सबसे डेंजर चीज़ अभी के लिए मेरे को वही लग रही है फ्रैंकलिन का, हमें फ्रैंकलिन को बचाने के लिए जाना पड़ेगा। बट मुझे लगता है कि अभी के लिए इस वीडियो को यहाँ पर ही खत्म करना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना और 5000 कमेंट कर दो अगर इसका पार्ट 2 बहुत जल्दी चाहिए तो। अगर 5000 कमेंट हो गए तो इसका पार्ट 2 बहुत जल्दी आएगा। बाय द वे हमें इसको ना पार्किंग में ही रखना चाहिए, बाद में हम लोग सेल कर देंगे। अभी मैं थोड़ी देर के लिए ना रिलैक्स करने वाला हूँ, घर के अंदर जाके बैठने वाला हूँ, और उसके बाद अगर मेरे को लगेगा कि फ्रैंकलिन को बचाने जाना चाहिए तो मैं बचाने के लिए जाऊँगा। बट अब तक तो मेरे को उसका कोई न्यूज़ नहीं मिला है, कॉल वगैरह नहीं आया है, वरना मैसेज या कॉल आ जाता उसका कि भाई मैं तकलीफ में हूँ ऐसा करके। तो हाई चांस है कि वो तकलीफ में नहीं है, या अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ में है तब जाके भी कॉल ना कर पाए, ये भी हो सकता है। अभी घर के अंदर मास्क पहन के तो हम लोग नहीं घूमेंगे ना।
आज अब एक सिगरेट पीते हैं और थोड़ी देर टीवी देखते हैं, बाद में देखेंगे क्या करना है। बाय द वे मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय बाय। और माइकल भाई को हम लोग पिलाने वाले हैं सिगरेट, जो कि उनका फेवरेट है। ये देखो उसकी बीवी बैठी है सामने की साइड पे। आज का ये वाला निशान GTR चुराने वाला मिशन आई थिंक हम लोगों ने बहुत सही तरीके से कंप्लीट किया है। बस हमने कोई माफिया के लिए कोई क्लू ना छोड़ दिया हो कि माफिया आके हमें मारे। अगर हमने कुछ गलती करी है तो तुम कमेंट करके मेरे को बता सकते हो कि अज्जू भाई तुमने इस मोमेंट पे गलती करी है, गैंगस्टर तुम्हारे पास आएगी ही आएंगे। बट मुझे नहीं लगता, यहाँ तक तो सब कुछ सही है।